लोग सोचे थाना से बोलेंगे तो फिर हम लोग सोचे गरीब आदमी कहाँ से केस मुकाबला लड़ेंगे। इस चलते इस बात को समझा बुझा के घर वाले बड़े भैया सब है उन्हीं को बुला के लाए थे, तो कोई उधर मोबाइल लेकर गया तो उसको छीन पटो कर तभी से और धमकी दे रहा था कि तुमको तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं होगी। जी हाँ, बिहार के मोतिहारी में दिखल एगो प्रेमी के विभत्स रूप, आपन प्रेमिका से शादी ना भइला पर प्रेमी उठैले खौफनाक कदम। प्रेमी अपना ही प्रेमिका के कुल्हाड़ी से काट के उनका घरे पे मुआ देल। गांव के ही एगो दबंग युवक मृतका से करत रहन प्यार, ओकरा पो लगातार बनावत रहन शादी के दबाव। मृतका अपन नानी के घर पे रह के करत रहे पढ़ाई। गांव में भइल पंचायती में भी प्रेमी शादी ना भइला पो प्रेमिका के मुआवे के धमकी देत रहन। अब ई कांड क दिले बाड़न, हत्या के बाद प्रेमी फरार बाड़न। पुलिस हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के भी जब्त कैले बिया, जांच जारी बा। घटना के सूचना पे मधुबन थाना के पुलिस मुअल देह के अपना कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिले बिया। मुए वाला के परिजन गांव ही के युवक पे लगेरन प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोप। मुए वाला के परिजन के बारो रो के बुरा हाल। मोतिहारी में हत्या के एगो सनसनीखेज मामला सामने आयल बा, जहाँ एगो लड़की के पूर्व प्रेमी प्रेम विवाह में असफल भइला पे अपना ही प्रेमिका के कुल्हाड़ी से काट के मुआ देलस। इस सनसनीखेज वारदात मधुबन थाना क्षेत्र के गुलेरिया गांव के है, जहाँ चुन्नू कुमार नामक प्रेमी अपन प्रेमिका के निर्मम तरीका से मुआ देलस। ए घटना के अंजाम देला के बाद वो फरार हो गई। घटना के संबंध में मिलल जानकारी के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के गुलबरा निवासी वीरेंद्र ठाकुर के लड़की जौन की अपन ननिहाल गुरमिया में रह के अपन पढ़ाई या नानी के सेवा करत रही, उनकर प्रेम प्रसंग ननिहाल के ही एगो चुनू नामक लड़िका के साथे रहे। एकर भनक जैसे ही ओकर परिजन के लागल तो उ लोग अपन बेटी के समझा बुझा के लड़िका से अलग रहे आ बातचीत ना करे के बात कहल, जेकरा बाद लड़की वह लड़िका से बात ना करत रहे। लेकिन प्रेम के भूत सवार चुनू उनका लोग पे लगातार शादी के दबाव डालत रहन, बातचीत जारी करे के दबाव डालत रहन और उनका लोग के परेशान करत रहन। जब लड़का वो ज़्यादा परेशान करे लागल तो लड़की के परिजन गांव में पंचायती बैठल, लेकिन लड़का ओजा भी ना मानल। भरल पंचायत में लड़की के शादी ना करे के सूरत में जान से मारे के धमकी दिलस। एकरा बाद वो लगातार लड़की और परिजन के धमकी दे चलत आवत रहे। कल रात खा जैसे ही वो मौका पैलस लड़की के घर पे पहुँचल, पहले तो ओकरा साथे अनैतिक काम कैलस आ फिर जब असफल भइल अनैतिक काम करे के प्रयास कैलस, जब असफल भइल तो हुइया राखल कुल्हाड़ी से मुआ देलस आ फरार हो गई। घटना वो समय के बा जब ओकर नानी गांव में हूँ केहू के यहाँ काम करे गई रही। जब वापस अली तो अपन नतिनी के घर में ना पाकर खोजबीन कैली, उ ना मिलली। रात के करीब 2 बजे लड़की के दुपट्टा उनका दरवाजा पे बरामद भइल। बाद में उनकर मुअल देह घर के पीछे पावल गई, जेकरा बाद हाहाकार मच गई। लड़की के परिजन के कारुणिक क्रंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गए। एकरा बाद सूचना थाना के दिहल गई, थाना मौका पे पहुंचल, बयान सुनी। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? जी ओकरे से पहले बात करे लख, अब ना बात करे लख। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन मारा इसका डिटेल हम लोग नहीं कह सकता, पर जितना जानते थे 6-5 महीना पहले जो बात उतना बता रहे, अभी नहीं कह सकता, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। बस पुलिस से जल्द खोज कर मेरी बहन का न्याय करे। 2 बजे अली हमने का फोन गया, हमने काटा है, तेंगली से काट दिया है। वह मेरी बहन पता चला है यहाँ के समाज से, मेरी बहन इधर रूम में सोई हुई थी तो यहाँ से घिसिया कर उसको मारा गया अंदर।
घर में जी जी वो पिछला घर में कोई नहीं था क्या? जी नहीं कोई नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी तो वो अपना कमाने के लिए चल गई थी नाखून काटने, तो उनको कोई पता चला तब आई है तब जान रही नजर आई लगा जब मार दे लगा कुछ हो गया कि पूजा पूजा चिल्लाई गया आ गोदी में उठा लगा के सबसे देर देखने वाली खून से भर गए गोदी में उठा लगा बूढ़ा में दिखा जाने गए सहर के उठा लगा न बुझा उतना न आँख से लौकर तब गए सिंहासन का लंग दौड़ल यहाँ पूजवा के कौन वो भी धमकी दे रहा था मेरी माँ उसके पास आके पैर पकड़ी कि नहीं करो इसे बोला कैसे करो हम उसी का लड़की बात की है मेरी बहन बात की है ठीक है तो इसे बात हो ना कि वो भी तो किया होगा ना वो भी तो सपोर्टर में है बात किया तो ठीक है उस मामले का हम लोग सुलझा दिए लेकिन आज कौन सा कर दिया गुना कौन सा पाप हम लोग कर दिया मेरी बहन को आज मार दिया कुछ नहीं जान रहे हैं कुछ बस हम पुलिस से निवेदन चाहते कि मेरी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले जी। तो बड़ा घर कहाँ हुआ? मधुबन हुआ। आई नानी कने रहती थी बच्चे से रहती थी यहाँ पे रहती थी बातचीत चला मतलब पता चला हम लोगों की हाँ इसे किसी से बात करती है तो लड़का भी धमकी दे रहा था माने के मेरे अपने बहन को समझा बुझा दिए कि उससे बात नहीं कर नहीं करती थी मेरी बहन अपने पास ही रखते थे फिर भी वो लड़का कहीं कहीं बोलता था कि तुमको ध्यान से मार देंगे किसी शादी करेंगे जान से मार देंगे यू कर देंगे यू कर देंगे मेरी बड़ी वाली दीदी को परेशान करते थे बार बार वही ऊपर जाके फोन करते थी बार बार बड़े बोलता था कि धमकी देता था आज मार दिया उसको वो बड़ी वाली आपके दीदी पर भी फोन करती थी उसको भी बहुत ही करती थी दामाद से लंग फोन कराई लगा धमकी दे रहा था मोबाइल पर तो हम लोग सोचे थाने से बोलेंगे तो फिर हम लोग सोचे गरीब आदमी कहाँ से केस मुकदमा लड़ेंगे ये चलते इस बात को समझा बुझा के घर वाले बड़े भैया सब है उन्हीं को बुला के लाए थे तो कोई उधर मोबाइल लेकर गया तो उसको छीन पटो कर तब ऐसे और धमकी दे रहा था कि हम तुमको काट देंगे मार देंगे ब्रिटिश कर दो मेरी माँ आई थी उसको पैर पर पकड़ी की बात छोड़ो उसको हटाओ फिर भी नहीं सुलझा मार दिया मेरी बहन को मार कल दिनांक 14 अगस्त को वीरेंद्र ठाकुर जो कि गुलवारा मधुबन के रहने वाले हैं उनकी 19 वर्षीय पुत्री जो कि अपनी ननिहाल गुरमिया में रहती थी उसका अपराधियों के द्वारा गला काटकर हत्या कर दिया गया इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के प्राप्त होते ही मधुबन थाना और स्वयं मैं भी वहां पे घटनास्थल पर गया था। जाने के उपरांत वहां पे एफएसएल टीम को भी बुलाया गया पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें लड़की को ब्लैकमेल करने की बात प्रकाश में आ रही है और कुछ चिन्हित जो अभियुक्त हैं उनको अभी पूछताछ के लिए थाना पर डिटेन किया गया और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।